तो मुझे मेरे वहाँ एक दोस्त हैं मुकर्रम सैफी साहब, उन्होंने मुझे शहाब भाई का नंबर दिया, वो नौजवान जो पैदल आ रहा है मक्का मुकर्रमा के लिए जा रहा है केरला से मक्का मुकर्रमा, तो मैंने उनको फ़ोन किया तो वो रास्ते में थे, तो उनके एक दोस्त ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा नमाज का वक्त है किसी होटल में रुके हुए हैं, तो मैंने उन्हें दावत दी कि पंजाब से गुजरें, आपका हर कदम के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इस्तकबाल होगा इस ज़मीन के ऊपर, तो शायद आने वाले दिनों में वो हम लोगों के दरमियान से गुजरेंगे। लेकिन मैं YouTube पे देखा कि कई मौलवियों ने दो तीन बातें की, जी पैदल नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो घर से मस्जिद तक नहीं जा सकते वो ये बता रहे हैं कि ये नौजवान बैतुल्ला तक जाएगा कि नहीं जाएगा। मजे की बात तो ये है, जो अपने घर से मस्जिद तक पैदल नहीं जा सकते, जिन्होंने कुछ खुद फन ना किया हो, कोई खुद खिदमत ना अंजाम दी हो, हमने तो जिस दिन पहले दिन सुना कि एक नौजवान केरला से मक्का मुकर्रमा पैदल जाएगा तो उसी दिन से रोजाना दुआओं का एहतमाम है, क्योंकि वो सिर्फ बैतुल्ला की तरफ नहीं जा रहा, उसके हर एक कदम पर मुसलमानों के जज्बात उसके साथ हैं, लोगों की दुआएं उसके साथ हैं, लाखों करोड़ों माओं का सहारा उसके साथ है, अल्लाह की रहमतें उस पर बरस रही हैं। और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर मक्का मुकर्रमा से कोई पैदल हज करता है एक कदम के ऊपर 700 हरम की नेकियां उस बंदे को अता की जाएंगी। तुमसे तो फतवा पूछा ही नहीं है जो फतवा देने के लिए तैयार बैठे हो। कितने आइम्मा हैं, उठाओ इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम इब्ने तैमिया को, इमाम अबू हनीफा को, सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अनु को, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी बैतुल्लाह का हज पैदल किया। कितनी जमातें हैं रोज पैदल सफर कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। दरअसल बात यह नहीं है, कई ये कहते हैं कि नियत पता नहीं क्या है, नियतों पर अल्लाह का दारोमदार है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसकी नियत अच्छी होगी उसका अमल कबूल होगा, और जिन लोगों के अमल कबूल होते हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाते हैं। वो बंदा कल तक जिसको कोई जानता नहीं था, आज उसके इंतजार में लाखों लोग सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क के तमाम लोग, क्योंकि लोग ये समझते हैं इस बात को अच्छी तरह कि जो बंदा इतनी दूर सफर पे अपने रब के घर की तरफ पैदल जा रहा है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत रखी है। ये इतने आशिकाने रसूल इसलिए निकले क्योंकि अल्लामा ने कहा है ना कि मोहम्मद से वफा तूने की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। जब बंदा अल्लाह की तरफ चलता है तो कायनात की हर शय उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। मुबारकबाद देने की बजाय एक दो लोगों ने, एक साहब की मैं मुख्तसर सी बात सुन रहा था तो वो फरमा रहे थे कि मैं ये फतवा दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं कहा अगर ये वाकई बहुत अच्छा फतवा देने वाले हैं, अगर इनमें वाकई इस्लाम का दर्द है और ये इस बात को समझते हैं कि कौन सा अमल इस्लाम में नया है कौन सा पुराना है, अगर इनके वाकई सीने के अंदर एक धड़कता हुआ दिल है, अगर वाकई इनके अंदर जज्बात हैं, अगर वाकई ये कोई जिंदा दिल मौलवी है, अगर वाकई इस मुफ्ती के कलम में बसीरत है, इसमें ताकत है, तो जब किसी का घर गिराया जाता है उस वक्त इसका फतवा क्यों नहीं चलता, जब किसी को नाजायज कैद में डाल दिया जाता है उस वक्त इसकी जुबान क्यों नहीं खुलती। यह सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए इनका कलम चलता है। हां, अगर इनका कलम उस वक्त चला होता तो आज इस कलम के आगे हम सर हमें तस्लीम कर देते, लेकिन पता यह लगा कि इनको हसद की बीमारी लग गई, हसद की बीमारी लग गई। हसद का कोई इलाज नहीं है दुनिया में। जो खुद कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा जिंदगी में आप सब लोग,
हर नौजवान इस बात को याद रखे, हर बेटी, हर बड़ा, हर छोटा इस बात को याद रखे, क्योंकि कई लोग हर जगह कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो किसी ना किसी को परेशान करते हैं, चाहे तालीम में, चाहे घर में, चाहे कारोबार में। कोई ना कोई लोगों का आदत होती सारा दिन फोन करके, अच्छा फलां बंदा तेरे बारे में ये बात कह रहा था, फलां बंदा तेरे बारे में ये बात कह रहा था। याद रखो, दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ तनकीद करते हैं, और जो तनकीद करते हैं वो इस बात को मानते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ गए, ये इस बात को तस्लीम करते हैं। इसलिए शाहब भाई को कहना चाहता हूं कि अगर कोई एक दो लोग तनकीद भी कर रहे हैं तो उन्होंने मान लिया कि तुम उनसे अफजल हो। तनकीद करने वाले ने इस बात को तस्लीम कर लिया। हर साल 1-2 हाजी पैदल पहुंचते हैं, आपको पता है। लेकिन यह सरकारी मौलवी तब नहीं बोले, इस साल जब इंग्लैंड से पैदल हज करने वाला चलता हुआ 6,500 किलोमीटर के बाद मक्के पहुंचा, वहां के हुक्मरानों ने उसका इस्तकबाल किया, तब यहां का कोई मौलवी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वहां से चंदा लेने जाना है। पिछले साल रशिया से, कोहे कफकाज से हमारा एक बहादुर भाई 13,500 किलोमीटर का सफर करके बैतुल्लाह के हज के लिए पैदल गया। ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है। अभी पूरी दुनिया के सारे मुल्कों में से एक नौजवान अकेला मोटरसाइकिल की सवारी करके इस हज के अंदर शामिल हुआ है। तो ये जो आप पैदल जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि इसके पैदल चलने से सिर्फ शहाब भाई का हज होगा? नहीं, जब वो शहाब पैदल चलता है तो लाखों दिलों के अंदर बैतुल्लाह को देखने की तड़प पैदा होती है, इसको सवाब उसको नहीं मिलेगा। जब पैदल चलता है करोड़ों दुआएं साथ में चलती हैं, जब बैतुल्लाह की तरफ कदम बढ़ते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बढ़ते। तो किसी ने क्या खूब कहा, बस ये शेर उनकी नजर करना चाहता हूं, कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। ये बंदा ऐसे नहीं चलता कोई हो चाहे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क है यार, ये हजूर नबी अलैहिस्सलाम की रहमतें हैं जो जाहिर हो रही हैं। कहा ना किसी ने क्या खूब, कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला करते हैं। वाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन।